तो हम लोग अभी है राजस्थान में, राजस्थान में एक खास महल का अंदर वाला हिस्सा में हम लोग कवर करने आए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ राज, आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ अनबीटन ड्रीम्स ब्लॉग्स। तो हम लोग अभी है राजस्थान में, राजस्थान में एक खास महल का अंदर वाला हिस्सा में हम लोग कवर करने आए हैं। जोक सपाट, हम लोग अभी आ चुके हैं बरानगर नेताजी कॉलोनी लोलैंड का दुर्गा पूजा का जो पैंडल है वो राजस्थान का एक महल है, उसका जो अंदर वाला हिस्सा उसी को बनाया गया है और बहुत खूबसूरत इंदा अंदर का जो माहौल है, जस्ट हैव ए लुक। भाई ये पैंडल तो एकदम भी लग नहीं रहा है, पूरा एकदम ओरिजिनल जो महल है वही लग रहा है। और जो कारुकार्य यहाँ पे किया गया है ना फाइबर से, लास्ट वाला वो जो ब्लॉग आप लोग नहीं देखे ऊपर वाला आई बटन में आप लोगों को दे देंगे, जितना सारे काम आप लोग देख रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक सब फाइबर से बना हुआ है, प्लाईवुड से बना हुआ है और लकड़ी से बना हुआ है। एग्जैक्टली जो राजस्थान जैसा जो काम होता है रेड स्टोन का, वही गोल्डन स्टोन यहाँ पे बना के दिया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हाथी का जो मूर्ति है उसके साथ साथ दीवार में जो ये थाम बनाया गया, उसके साथ यहाँ पे जो दीवार बनाया गया ये का जो ऊपरी हिस्सा रहता है ना, ऊपर खिड़की, ये भी बहुत सुंदर एक। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग ज्यादातर लोग देखते हैं विदाउट सब्सक्रिप्शन, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ये फ्री है, फ्री। चलिए अंदर चलते हैं फटाफट से, अंदर वाला जो माहौल है और भी खूबसूरत है, क्योंकि इस पैंडल का थीम है अंदर महल, मतलब अंदर माहौल बंगाली में कहावत है, तो इसीलिए अभी स्वागत है राजस्थान का जो महल का अंदर वाला हिस्सा में। भाई साहब ये राजा महाराजा वाला फीलिंग हो रहा है, क्योंकि अंदर का जो हिस्सा है और भी खूबसूरत है, तो धरोहर यहाँ पे सुंदर खूबसूरत बना के दिया गया है ना, जस्ट ऑसम भाई। यहाँ पे ऊपर में आप लोग शायद देख पा रहे हैं, ऊपर पुराना जो राज महाराजा का जो स्टोरी है उसको बना के दिखाया गया है। यहाँ पे जो कांच दीवार दिख रहा है और लकड़ी का दीवार, ये तो है नहीं मगर प्लाईवुड का है, नहीं तो फाइबर का है। यहाँ पे बैठने का जगह होता था पहले और वहाँ पे खिड़की से जो है वहाँ पे दिखा जाता था, और बारीकी से यहाँ पे खूबसूरती का जो एग्जाम्पल, जस्ट स्प्लेंडिड अमेजिंग यहाँ पे लुक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पैंडल का इनॉग्रेशन हो चुका है मगर पब्लिक के लिए आज से या कल से शायद खुल दिया जाएगा, उससे जो हम लोगों का चैनल अनबीटन न्यूज़ ब्लॉग में उसका फर्स्ट लुक दिख रहा है। कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है भाई, का जो लुक देख के आपको जस्ट कलीजा को जो ठंडक पहुँचेगा भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अभी आ चुके हैं एकदम पैंडल का अंदर वाला हिस्सा में, जहाँ पे माँ दुर्गा अधिष्ठान है। यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हैं पैंडल का ऑलरेडी इनॉग्रेशन हो चुका है, माँ दुर्गा को कितना सोने का गहना पहना के कितना खूबसूरत एक लुक दिया गया, हम लोगों का माँ यहाँ पे बैठा हुआ है। अंदर वाला हिस्सा जो ऊपर जो एकदम 40-50 फुट का जो टोम्ब बन रहा था वो उसका लुक देखिए, एक एक चीज़ जो नक्शा बनाया गया है जस्ट ब्यूटीफुली इसको बनाया गया, ब्यूटीफुली डेकोरेट करके ऊपर झाड़ के साथ जब लाइट पूरा जलेगा तब जो खूबसूरती है तब जाके उसका ओरिजिनल खूबसूरती निखार के बाहर आएगा। यही जो फाइबर का मटेरियल दरवाजा है वो भी बहुत खूबसूरती से बना गया, जो डिजाइन है एक के बाद एक देखिए जस्ट ब्यूटीफुल इसको बनाया गया है। राजा महाराजा को महल का जो अंदर वाला जो थाम होता है उसको भी देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, इसीलिए लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। 11 हेरिटेज में अभी कोलकाता का दुर्गा पूजा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो चुके हैं। इतना सुंदर खूबसूरत एक प्रतिमा यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ साक्षात
देवी को ऐसा रूप दिया गया देख के लग रहा है जस्ट जीवित प्रतिमा है। खुद का आंखों से आप देखेंगे ना जस्ट इतना खूबसूरत लगेगा। दुर्गा का जो रूप है बहुत ही खूबसूरत रूप है और साथ में पैंडल का जो अंदर वाला जो माहौल है हर किसी चीज का ख्याल रखा गया क्योंकि एक्चुअली जो सीएम द्वारा इसका इनॉग्रेशन हो चुका है पे एसी या कूलर का व्यवस्था कर दिया गया है, कूलर चल रहा है। शेर के ऊपर माँ दुर्गा अधिष्ठान है रुद्र मूर्ति में, एग्जैक्ट मार्बल का रूप में दिखाया गया है मगर है मिट्टी से बना हुआ। आप लोग भी लाइक करिए, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके भाई बंधु दोस्त हर किसी को देखने का मौका दीजिए, जितना हो सके भर भर के शेयर कर दीजिए। बोरानगर नेताजी कॉलोनी लोलैंड का पूजा देखने के लिए आपको नॉर्थ कलकत्ता में विजिट करना पड़ेगा। बोरानगर जो थाना है उसे उतरना पड़ेगा, वहाँ पे आके थोड़ा दो कदम पैदल आ जाइए, इतना खूबसूरत चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत राजस्थान का जो माहौल, एग्जैक्ट राजस्थान का जो माहौल है आपको देखने को मिलेगा। आप लोग आइए, उसके साथ साथ खूबसूरत मातृ प्रतिमा का दर्शन कीजिए, मन और दिल एकदम खुश हो जाएगा। तो बाखूबी से वास्तविक रूप दिया गया है और आप लोग भी आइए इसका मजा ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों का आज का ये माँ दुर्गा की प्रतिमा, ये राजस्थान का अंदर माहौल बहुत पसंद आया और पैंडल का जो दृश्य आप लोगों को दिखाने का कोशिश की पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उस भाई बंधु मित्र हर किसी को देखने का मौका दीजिए, घर भर के शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नया अमेजिंग ब्लॉग लेकर, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए और एज ऑलवेज मुस्कुराते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।